हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी बच्चों की कि हमें नहीं पता कि हम कैसे इमेज, इतनी सारी इमेजेज को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप बता दीजिए। तो बेटा, मैं इसलिए आपके लिए लेकर आई हूँ और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है? तो आप इस तरीके से ये इमेज को एडजस्ट करके और अपना पीडीएफ बना सकते हो, फिर उसको सबमिट कर सकते हो। तो इसको कैसे करना है एक एक स्टेप में अच्छे से बताऊँगी, ध्यान से देखना है ताकि बाद में हड़बड़ाहट ना हो उस टाइम पर, क्योंकि फिर नहीं कर पाने के हो। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार बनाकर इसकी। और बेटा, जो भी डिस्टर्बेंस होगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये मेन रोड है यहाँ पर, इस वजह से ये डिस्टर्बेंस होती रहती है, ठीक है? तो बेटा, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पीडीएफ बनाने के लिए बेटा, इमेज के लिए सबसे पहले क्या सर्च करना पड़ेगा, एक ऐप को सर्च करना है जो कि किस नाम से है, गूगल डॉक्स के, ठीक है? तो मैंने बेटा ये इंस्टॉल की हुई है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना और फिर इसको ओपन करोगे। तो जब इसको ओपन करोगे तो बेटा इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक मिनट में बिल्कुल नया दिखा देती हूँ आपको किस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है? तो बेटा, आपका ना इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है? इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे बेटा, तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट और चूज टेम्पलेट। तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है? तो न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद बेटा, यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन होएगा, जहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी इमेजेस को एडजस्ट करना है, उनके बारे में लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल आपकी 8 इमेजेस होंगी, 8 या 7, ठीक है? क्यों? क्योंकि 6 तो कौन सी हो गए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक, ठीक है? ये 6 तो ये हो गई। और बेटा, हो सकता है किसी का एक में आ जाए मॉडल के बारे में एक्सप्लेनेशन, और किसी का दो में आ जाए। और जिसका ऐसे राइटिंग है बेटा, उसका तो ये सब लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो अपनी सीधा इमेज को लेगा यहाँ पर ऐड करके डाल के और पीडीएफ बना लेगा, ठीक है? तो 7 से 8 इमेज आ सकती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, इस तरीके का जो ये पेज ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा आपको ये अपना फॉन्ट साइज को एडजस्ट करना है। हो सकता है किसी के मोबाइल में ये डायरेक्ट ना दिखाई दे, ठीक है? तो क्या करना होगा बेटा, उसको ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, तो यहाँ से आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा ये सारी चीज़ें, जहाँ पर आपसे पूछेंगे कि इसका फॉन्ट एडजस्ट करना, ठीक है? तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, यहाँ से आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 18 कर लेती हूँ, ओके? मैंने 18 कर लिया। अब मुझे यहाँ पर 18 मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ लिखना होगा, ताकि जो भी इसको पीडीएफ को देखेगा उसको प्रॉब्लम ना आए समझने में, ठीक है? तो उसके लिए बेटा, उससे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई मॉडल है तो मॉडल के बारे में जो जो आपने लिखा है उसको यहाँ पर लेकर आओगे, ठीक है? तो मान लो आप कि एक इमेज यहाँ पर आ गई और एक इमेज यहाँ पर आ गई, दो हैं तो, ठीक है? तो उसमें आपको मॉडल वाले में क्या करना बेटा, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, ये भूलना मत, और फिर उसकी हेडिंग जो भी है, जिस पर भी आपने बनाया, और फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। हो सकता है किसी की यहीं पर ख़त्म हो जाए और किसी की दो में आ जाए, ठीक है? तो अब उन दो इमेज को तो यहाँ पर ले आओगे, ठीक है? और यहाँ पर बेटा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैं इसमें क्यों बता रही हूँ आपको, आसानी से भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है मैक्सिमम 2A4 साइज सीट का यूज करना है, ठीक है? तो हमें रिस्क नहीं लेना, तो हम दो में ही उन 8 की 8 इमेज को एडजस्ट करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से समझना है, ताकि कंपटीशन में मेहनत करने के बावजूद भी आप बेटा रिजेक्ट ना हो जाओ, ओके? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडल की इमेज को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, जो आपको ये यहाँ पर प्लस का निशान दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है, ओके? तो इस पर क्लिक करते हैं बेटा। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्या ऑप्शन दिख रहा है बेटा, इमेज का। तो आपको इमेज पर क्लिक करना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको बेटा ये तीन ऑप्शन दिखेंगे, फ्रॉम फोटोज़, फ्रॉम कैमरा, फ्रॉम वेब। तो आपको क्या, आप कहाँ पर जाना है, फ्रॉम फोटोज़ पर। फ्रॉम फोटोज़ पर क्यों जाना है, क्योंकि आप पहले से ही अपने मॉडल की या एसे की जो भी लिख रहे हो, ड्रॉइंग है, सभी की पिक्चर क्लिक कर लेना, ठीक है? और उनको अच्छे से क्रॉप कर लेना, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेन फोकस है मॉडल है, ऐसे राइटिंग है, वही चीज़ दिखे उसमें, ठीक है? तो अच्छे से क्रॉप करके उनको रख लेना। फिर क्या करोगे, तो यहाँ फ्रॉम फोटोज़ पे क्लिक करोगे ना, ठीक है? तो यहाँ से क्लिक करने के बाद बेटा आप गैलरी में चले जाओगे। तो मैं आपको इन इमेजेस के थ्रू आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो मेरा ये फर्स्ट वाला जो है मॉडल के बारे में लिखना है, ठीक है? ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको ये इमेज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट कैसे करोगे, आप इस पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद बेटा आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पर ये दिख रहा है ना, आपको इस पर क्लिक करना है इसके साइज को सेट करने के लिए। ये हमने क्लिक कर दिया। अब बेटा ये जो ब्लू कलर के जो साइज है, इस पर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है? तो इसकी साइज को एडजस्ट करोगे, ये छोटा हो गया हमारा साइज, ठीक है? और छोटा करना है तो और भी कर सकते हो, क्योंकि हमें साइड में एक और इमेज लानी है। और अगर आपका बेटा
मॉडल एक ही पेज में आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके साइज को बड़ा भी कर सकते हो इतना, ठीक है। तो मैं दो सोच के चलती हूँ कि आप दो में लिखोगे एक्सप्लेनेशन सारी अच्छे से, ठीक है। तो एक तो हमने ये ले लिया, और इसका जो दूसरा लिखा हुआ पेज है उसको हम फिर से क्या करेंगे, प्लस पर जाएंगे। प्लस पर जाने के बाद बेटा फिर से इमेज में फ्रॉम फोटोज भी, और अपना नेक्स्ट जो है पेज लिखा हुआ ले आएंगे। फिर से ये आ जाएगा बेटा, इसके साइज को हमें फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इमेज पर क्लिक करेंगे, अब हमें उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा। फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे, वन मिनट बेटा। तो बेटा ये देखो हमारा पहले वाला पेज चला जाएगा, आपको ये नहीं करना, आप अंडू कर दो इसको, ठीक है। फर्स्ट आपका आ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा कि ये आपका कंप्लीट हो गया है, उसको सिलेक्ट मत रहने देना, ठीक है। ये कर्सर लेके आना है आपको, जब ये कर्सर आ जाएगा तभी नेक्स्ट टाइम पर आपको प्लस पर क्लिक करना, वरना आपकी पहली इमेज चली जाएगी और उसकी जगह पर दूसरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये गलती मत करना, अच्छा है मेरे साथ हो गई तो आपको मैं समझा सकती हूँ अब इसको। अब फिर से आप प्लस पर क्लिक करोगे, इमेज पर जाओगे, फ्रॉम फोटोज में जाओगे, और क्या करोगे, दूसरा अपना पेज जो है सिलेक्ट कर लोगे। अब ये क्या हो गया, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, क्योंकि इसका साइज बड़ा था, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे, इस पर क्लिक किया सीधा ही, और इसके साइज को हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये साइज एडजस्ट करते ही देखो ये इसके साइड में आ गया, लेकिन ये बड़ा है थोड़ा सा पहले वाला, तो हम इसका साइज भी बड़ा कर लेते हैं, ओके। आप इनको हो चाहे तो और भी बड़ा कर सकते हो, मैं इनको और थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, आप अपने पेज के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से इनके साइज को एडजस्ट कर लेना है आपको, जैसे ये मैंने एडजस्ट कर लिया, और भी आप कर सकते हो, पहले वाले को बड़ा करना है तो पहले वाले को कर लो, ये काफ़ी बड़ा हो गया तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। मतलब एडजस्ट करना है आपको, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आप सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि हो जाए। ये हो गया, अब हमें अपना कर्सर लेकर आना है, ये कर्सर लाना जरूरी है, नहीं तो ये सारी इमेज जो आप डाल रहे हो ना ये उल्टी सीधी हो जाएंगी, कर्सर आपको दिखने लगेगा। फिर आपको क्या करना है, एंटर दबाना है, एंटर दबाते ही आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, ओके। तो नेक्स्ट लाइन में आने के बाद बेटा आपको क्या करना है, अब आपको वो इमेजेस की पिक्चर लानी है। तो वो इमेज की पिक्चर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ लिखना पड़ेगा। तो फ्रंट व्यू, जैसे सामने वाली कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी साइड है, तो आप उसके बारे में लिख देना। तो फ्रंट वाली डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कुछ फॉन्ट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एंटर डाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास फर्स्ट पेज के लिए काफ़ी वो है पेज, ओके। तो हम इसमें थोड़ा गैप ले लेते हैं, अब गैप ले लिया, अब हम डालते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू डाल दिया, ओके, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो बेटा, थोड़ा स्पेस डालकर साथ के साथ ही क्या करोगे, बैक व्यू भी लिखना है, ये डॉट ना आए आपके में, ये चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हम करते गए, ये वन मिनट आता रहेगा, ये हमें थोड़ा देर रुकना पड़ेगा कर्सर के लिए, फिर करेंगे तो फिर नहीं आएगा डॉट। अब हम ये करते गए कर्सर को, जब तक हमारा क्या है, नेक्स्ट वाली ना आ जाए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब डालेंगे हम फ्रंट के साथ बैक व्यू, तो बैक डाल देती हूँ मैं यहाँ पर, ओके, ये हमारा हो गया बैक व्यू। अब आपको क्या करना है, थोड़ा स्पेस देना है, थोड़ा वेट करोगे तो डॉट नहीं आएगा। अब ये करते गए, और फिर क्या करना है बेटा, एंटर डालना है, एंटर डालते ही नेक्स्ट लाइन पर आ गए। अब हमें क्या करना है, फ्रंट की जो इमेज थी बेटा मॉडल की, उसको डालना है। तो हमने फ्रंट के लिए इमेज पर क्लिक किया, फ्रॉम फोटोज़ में क्लिक किया, और फिर से हमने क्या किया, इमेज डाल ली, ठीक है। मान लो ये हमारी फ्रंट वाली है, तो अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इसीलिए बेटा मैंने ये वाली ऐप चुनी है, क्योंकि इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, बाकी में एडजस्ट का ऑप्शन नहीं था, इसलिए फिर मैंने इसी को प्रेफरेंस दी, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो एडजस्ट करने में। तो इस तरीके से बेटा हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट लेके आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा मत लेके आना, अब कर्सर के लिए हमें इस पर बस क्लिक कर देना है स्क्रीन पर। जैसे ही करोगे तो बेटा कर्सर आ जाएगा, ठीक है। कर्सर आ गया तो हमें एडजस्ट कर लेना है इसको। अब कर्सर आते ही हम क्या करेंगे, फिर से इमेज में जाएंगे, फ्रॉम फोटोज में, और वहाँ से अपनी नेक्स्ट जो है बैक व्यू जो होगा वो सिलेक्ट कर लेना। मान लो ये हमारा क्या है, बैक व्यू है मॉडल का। फिर इसको क्या करेंगे, इमेज पर क्लिक करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट तब तक करेंगे जब तक कि क्या हो बेटा, ये हमारे पहले वाले में ना आ जाए, ठीक है। अब इसका साइज भी बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उतना ही बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, चाहे तो हम इसमें गैप डाल के देख सकते हैं कि ये दूसरी लाइन में ना जाए, तब तक हम इसमें गैप दे सकते हैं। जैसे ही दूसरी में जाए तो हमें बैक कर देना है, ठीक है। तो हमारी ये आ गई बेटा इमेजेस, ये देख लेना इनके साइज सही हो। आप ये भी कर सकते हो कि बीच में ज़्यादा गैप है तो उसको डिलीट कर दो,
और क्या करोगे, यहाँ से इसका साइज भी बड़ा कर दोगे थोड़ा, ठीक है। फिर इसका भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, 1 मिनट, यहाँ से फिर से थोड़ा सा बड़ा, इतना करना है कि ये दूसरे में ना जाए। अब देखो ये दूसरे पेज में चले गए तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा हो जाता है तो हमें बेटा इसका यूज करना है, हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम वापस से उसी पेज पर आ जाएंगे। तो हम इसके साइज को इतना बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है, हम इसको छोटा ही रखते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। ओके, तो हमने ये एडजस्ट कर लिए फ्रंट और बैक। अब हमें क्या करना है, कर्सर लाना है, कर्सर आ गया, कर्सर आते बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। एंटर करोगे तो देखोगे आप कि अब यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा आपको, अब आपने फ्रंट और बैक तो ले आए, अब टॉप और बॉटम ले आते हो, ठीक है। तो टॉप डाल देते हैं, टॉप व्यू, टॉप व्यू डाल लिया। फिर से हम क्या करेंगे, थोड़ा एक कर्सर डाल के स्पेस, फिर वेट करके फिर डालते जाएंगे, ऐसे डालते डालते हमें तब तक वहाँ तक लेकर आना है, इस लाइन तक, ठीक है। ये इसकी लाइन में हो ये ध्यान रखना, और ये इसकी लाइन में तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। ये हो गया, अब यहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं, बॉटम व्यू डाल देते हैं, बॉटम व्यू डालेंगे, ठीक है। ये आ गया बॉटम व्यू, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, यहाँ पर आ गए। अब आप देखोगे जैसे ही नेक्स्ट लाइन पर आई, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमारा ये दूसरा पेज स्टार्ट हो गया। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें तो ये चीज़ भी उसी के साथ लानी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे इसके सामने, और क्या करेंगे, एंटर दबाते जाएंगे जब तक ये नेक्स्ट पेज पर ना आ जाए, ठीक है, दबाते जाना है। नेक्स्ट पेज पर ये आ जाएंगे ना, जब देखो ये नेक्स्ट पेज पर जा चुके हैं, हम थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं इनको, ये ज़्यादा नीचे आ गए, हम फिर से बैक बैक करके चले जाएंगे ऊपर, करते जाना बैक जब तक ये ऊपर तक ना आए, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। अभी और स्पेस है तो हम कर लेते हैं, ये आ गया बेटा हमारा ऊपर। ओके, अब हमें क्या करना है, ये कर्सर को ध्यान रखना, यहाँ पर लाके एंटर करना है, एंटर करते ही अब हमें प्लस डालकर, मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रही हूँ ताकि कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो। अब हम अपना क्या करेंगे, टॉप व्यू ले आए, अब इसको एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करने के लिए इस पर क्लिक किया और इसको एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के लिए आप चेक कर सकते हो ऊपर वाली इमेज की हमने कितना साइज उसका लिया है, उसी तरीके से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा लंबा कर लेते हैं इसको। ओके, थोड़ा बॉटम व्यू ज़्यादा इधर लग रहा है तो हम इसको यहाँ ले आते हैं, और फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इमेज लाएंगे तो यहाँ पे हमें स्पेस डालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इमेज लाएंगे सेम उसी तरीके से, ठीक है। ये हमारी कौन सी आ गई, बॉटम व्यू। ओके, अभी हमें इसको एडजस्ट करना है, फिर से एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसका साइज छोटा करेंगे और उतना कर लेना है कि ये फर्स्ट वाले उसमें ही आ जाए। नहीं आ रहा तो हमने जो स्पेस दिया था बेटा इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि ये वापस से आ जाए, ये आ गया। ओके, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ें मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो बेटा ये ज़्यादा साइज बड़ा हो गया, तो आप इसको फिर से इतना कर साइज कर करके कर सकते हो, बराबर हो जाए, इस तरीके से आपको करना है इनको एडजस्ट। अब ये देखो हमें पता नहीं क्या हो गया ये, तो हम क्या करेंगे, अंडू कर देंगे, ये वापस से वही साइज आ जाएगा, ठीक है। ये अंडू का ऑप्शन भी अच्छा होता है। तो ये हमारे क्या हो गया बेटा, अब देखो हमने कितना बना लिया अपना, एक मिनट, इसका साइज थोड़ा छोटा है इसको, ठीक है। तो ये तो बेटा हमारे क्या थे, जो भी आपने क्या लिखा है, मॉडल के बारे में लिखा होगा फर्स्ट पेज पर और सेकंड पर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो ये आपके वो दो पेज हो गए, ये फिर फ्रंट और बैक व्यू हो गया। सेकंड पेज पर बेटा क्या हो गया, टॉप और बॉटम व्यू। अब नेक्स्ट क्या करना है, कर्सर इधर लाना है और क्या करना है, एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद फिर से क्या करोगे, अब लेफ्ट और राइट व्यू रह गए, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट डाल लेते हैं, लेफ्ट व्यू। ओके, अब फिर से क्या करेंगे, स्पेस डालेंगे बीच में, एक्स्ट्रा कुछ भी ना डल जाए, ये ध्यान रखना है आपको। फिर से अब क्या डालेंगे, राइट व्यू, ये डल गया, बस थोड़ा सा रहता है, अब राइट व्यू डल गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आके फिर से इमेज को लाना है, इमेज को लाएंगे, ठीक है, इमेज आ जाएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट इमेज लेकर आते हैं, मान लो ये हमारी कौन सी है, लेफ्ट व्यू है हमारे मॉडल का, इसको एडजस्ट करेंगे उसी हिसाब से, देख लेना आप ऊपर वाली इमेज के हिसाब से कि कहाँ तक थी, तो ऐसे एडजस्ट कर लेना।
ओके, अब फिर से कर्सर आए, इसके बीच में कुछ हम स्पेस देंगे, फिर अपनी नेक्स्ट इमेज लेकर आएंगे जो कि लास्ट है। बस अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये हमारी आ गई नेक्स्ट इमेज। अब फिर से इसको एडजस्ट करना है बेटा, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया, इसको चेक किया, इसी के साइज का बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब ये वापस नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, कर्सर को ऊपर वाली लाइन में लेके रहेंगे। जो कुछ गलत हो जाता है उसको सही कर लिया करो। अब ये कर्सर हमारे यहाँ आ गया है तो हम क्या करेंगे, बैक दबाते जाएंगे तब तक ये ऊपर वाली लाइन में ना आए। तो ये आ गया। अब इसका साइज थोड़ा क्या है बेटा, छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके बराबर ले आएंगे, नाप के देख लेना, ठीक है। तो बेटा बस ये बन गया हमारा, ये नेक्स्ट हमें नेक्स्ट पेज पर नहीं लाना है। तो बेटा इस तरीके से अब क्या हुआ, हमने ये लिख तो लिया, अब क्या करना है हमें, ये चीज़ें हो गई, ये भी हो गई, टॉप बॉटम भी हो गया, लेफ्ट राइट भी हो गया, ओके। एक बार अच्छे से देख लेना है, बार बार करके, जैसे मैं बार बार देख रही हूँ ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, जो तुम्हें ये दिख रहा है ना ब्लू, इस पर क्लिक करना है, ओके। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा बेटा डॉक्यूमेंट, ओके। अब हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे इस पर क्लिक करके। तो देखो अब हम बैक आ जाते हैं, जैसे ही हम बैक आएंगे तो हमारा बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको रीनेम करना है। तो इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करके आप देखोगे नीचे रीनेम का ऑप्शन आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है बेटा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि अपनी फाइल का नेम क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। मान लो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर था, मैं लिख रही हूँ कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से ये रीनेम कर दिया मैंने, ओके। अब तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे होंगे आपकी फाइल का नाम ये हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सेव कैसे करोगे, थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा बेटा, डाउनलोड का ऑप्शन भी दिख सकता है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके, और या फिर क्या कर सकते हो, एक मिनट, इसको ओपन करके देखो, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो इस तरीके का बेटा आपको दिखाई देगा, देखो इस तरीके की आपकी बन जाएगी और ये दो में ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये थ्री डॉट्स जो कॉर्नर में दिख रही है इस पर क्लिक करोगे। जैसे यहाँ क्लिक करोगे बेटा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है शेयर एंड एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते बेटा यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, सेव एज, तो सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज पर क्लिक किया तो बेटा माफ़ी चाहूँगी, ये हॉर्न की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ के फॉर्मेट में लाना है। तो आप क्या करोगे, पीडीएफ पर क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, तो आपने पीडीएफ के फॉर्मेट में इसको सेव कर लिया, ठीक है। तो जैसे ये सेव हो जाएगा बेटा, फिर आप इसको चेक कर सकते हो। अब देखो ये आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में आ चुका है और नाम भी बेटा आप देख रहे होंगे कि ये फाइल का इस तरीके से नेम आ गया है, ठीक है। तो अब ये आपका पीडीएफ तैयार हो गया और दो पेज में आ गया है, ठीक है। ये तीसरा पेज बेटा आप रिमूव कर सकते हो, इसका कुछ काम भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप उसी टाइम पर कर सकते हो जब अपना बनाते हो ना वो पीडीएफ, ठीक है, तो उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये दो पेज में बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप इस तरीके से इसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर जहाँ भी वो बोलेंगे इस लिंक को शेयर कर देना इसके, ठीक है, इस फाइल को सबमिट कर दोगे आप, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम इमेज को, मल्टीपल इमेज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में और फिर उसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।